गाइस, मैं प्रतीक सरानी है। आज मैं बताने वाली हूँ कि बच्चों को मोबाइल क्यों देखना चाहिए, बच्चों को मोबाइल कितनी देर देखना चाहिए, बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए। बच्चे इसलिए मोबाइल देखते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। मोबाइल में कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को मोबाइल पर पढ़ाते, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को आमने सामने मतलब स्कूल में कोचिंग में पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मोबाइल में बहुत देर तक जैसे 2-3 घंटे तक गेम्स मोबाइल कार्टून देखते रहते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में बहुत जोर पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। और बच्चों को अगर मोबाइल देखना भी चाहिए तो कोई सीखना चाहिए, जैसे गिटार बजाना और कोई संगीत म्यूजिक, डांस करना, पेंटिंग करना और बहुत ही अच्छी सीख वाली चीज़ें देखनी चाहिए। नहीं भी अगर 2 घंटे हो लेकिन सीख वाले ही सीखना चाहिए। और अगर बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं तो उन्हें कहिए कि तुम्हें अगर मोबाइल देखना है तो कोचिंग अगर तुम्हें मोबाइल देखना है तो तुम ऐसा करो कि तुम बायजूस वाला क्लास पढ़ो, मोबाइल वाला क्लास पढ़ो। और बहुत बच्चे ऐसे देंगे अपनी माँ का भी बात नहीं मानते, अपनी फैमिली का भी बात नहीं मानते और 2-3 घंटे से भी ज़्यादा मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बच्चे को टीवी भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि टीवी देखने से भी आँख पे जोर पड़े, क्योंकि दोनों का एक ही काम होता है। और वो तो अगर आँख और आँखों की नस बिल्कुल आँख से ही जुटी होती है, जिसके कारण नस पे अगर जुट पड़े सीधे आँख पे जोर पड़ेगा, आँख पे जोर पड़ेगा तो सीधी आँख से होके यहाँ नस पे होके ब्राइंड पे जोर पड़ता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बहुत दूर दूर के डॉक्टर पास जाते हैं, किसी को यहाँ पे चोट बहुत हानि पहुँचता है, किसी को आँख में, किसी को पैर हाथ में हानि पहुँचा होता है, वो भी मोबाइल की वजह से। थैंक यू, धन्यवाद।